सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में बच्चों टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी सीरीज है 2022 में आपके हेड कांस्टेबल के कुल 24 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये हमारा है सेट नंबर 16/18/10/2022 हेड कांस्टेबल शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि देखो टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट के जो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनको भी कवर करना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत ऑनलाइन आपके 38 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, इन 38 पेपर को मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल और ट्रिक के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट का कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट भी यदि नहीं है ना, ABCD भी कंप्यूटर की नहीं आती आपसे, एक बार जाकर स्टार्टिंग से वो क्लास देखना स्टार्ट कीजिए, आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया गया है। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आप 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हो ना इस बार कंप्यूटर में, तो आपको ये जो 38 सेट है आपके 2020 वाले और 24 सेट ये आपके 2022 वाले, इनको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट के मन में ये बात आ रही होगी कि सर समय तो बचा नहीं, 38 सेट और 24 सेट कहां से कवर कर ले, बच्चों यदि आपने 8 से 10वीं सेट स्टार्टिंग के कवर कर लिए ना, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि टीसीएस कंपनी का जो पैटर्न मैं आपके 38 सेट में जो देखा है ना, क्वेश्चन कहां से रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक वाइज लगातार ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम, बस लैंग्वेज चेंज है और थोड़ा ऑप्शन चेंज है और थोड़ा आपका क्वेश्चन जैसे कि वर्ड है, एक बार पूछ लिया आपसे कि जो वर्ड में है ना फॉन्ट साइज जो डिफॉल्ट रूप से क्या आता है 11, फिर दोबारा पूछ लिया मिनिमम फॉन्ट साइज क्या आता है 8, फिर पूछ लिया मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना आता है 72, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार वहीं के वहीं। जैसे क्वेश्चन दोबारा क्या पूछे गए आपके, जो सीट्स होती है ना एक्सेल में वो सीट्स के नाम से सो होती है आपकी, सीट के नाम से डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, बस यही आपके टॉपिक ऐसे ही रिवाइज किए गए हैं, ऐसे ही रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए। एक बार जाकर लिंक पर क्लिक करके अपना कंप्यूटर में बूस्टअप कीजिएगा अपनी तैयारी। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में खाली स्थान ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज। यदि आपकी कोई फाइल किसी नाम से सेव है, आप उसका नाम बदलना चाहते हो, तो आपको सेव एज पर क्लिक करके उसका नाम आप अलग अलग से जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में मौजूद खाली स्थान टैब आपको वर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीटों और वर्कबुकों की सुरक्षित करने की अनुमति देता है, कौन सी आपकी टैब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिव्यू। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो रिव्यू टैब है आपकी वो कहां पर शो होती है, कैसे आप उसमें जाओगे, कैसे उसके ऑप्शन को यूज करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन एक्सेल विंडो के ना शीर्ष पर एक टैब और आइकन की पंक्ति होती है जो हमें एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए आदेशों को तुरंत खोजने, समझने और उन्हें यूज करने की क्या देती है बच्चों, अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, हेथवे एक खालिस्तान है, क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदाता है जी, क्या है जी आपका ये इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ये है ना प्रारंभ कब हुआ था, प्लेटफॉर्म की लॉन्च कब हुआ था बच्चों, ये आपका 2006 में हुआ था, 2006 में पहली बार क्या हुआ था प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली पहली केबल ऑपरेटर थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हाईलाइट किए गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार का, हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, ठीक है जी, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग क्यों किया जाता है, सेलेक्ट टेक्स्ट के करेक्टर को फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एमएस एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए खाली स्थान, देखो रिव्यू का फिर क्वेश्चन होएगा मैं पूछा गया, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पांच का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ALT+R का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहां से देखो आपके चार क्वेश्चन बनते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और एक नंबर अपना पक्का कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का पी में क्या कहा गया, उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, क्या ये बात आपकी सही है। इसके बाद देखते हैं
उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, और फिर F2 की को प्रेस करें। और क्या कह रहे हैं, उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, फिर शिफ्ट की को दबाएं। फोर क्या कह रहा है जी, उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, फिर कंट्रोल की को दबाएं। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में एडिट मोड पर कार्य आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन आपके सही है, कौन कौन से सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, पी और क्यों सही है आपके। पी में क्या लिखा था, उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसे वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते, क्लिक करके एडिट होगा। क्यों क्या कह रहा है जी, उस सेल पर क्लिक करें जिसे वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते, कंट्रोल प्लस F2 से भी डायरेक्ट क्या हो सकता है बच्चों, एडिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC बोलते हैं, BCC की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी आपसे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें डायरेक्ट टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को उसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार, देखो रिबन का फिर क्वेश्चन पूछा गया, खालिस्तान टैब, वर्कशीट व्यू, फ्रीजिंग, पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए के बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी कमांड है जी आपकी, व्यू कमांड। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, बस थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लिपकार्ट भारत की अग्रणी ई कॉमर्स बाजारों में से एक है, यह किस खंड से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, व्यवसाय से उपभोक्ता के लिए आपकी वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन की किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, क्या है जी, प्रॉपर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। होता क्या है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना 3 विशेष कार्य है जिसमें उपयोग हम पार्ट के ना मामले में बदलने के लिए कर सकते हैं। एक आपका अपर होता है, एक आपका लोअर होता है, एक आपका प्रॉपर होता है, ठीक है जी, इनमें से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉपर का इस्तेमाल कब होता है, फंक्शन प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करता है तथा अन्य अक्षरों को लोअर केस प्रॉपर केस में छोड़ देता है। आपका अपर वाला फंक्शन कब यूज करते हैं, अपर फंक्शन हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग के ना सभी लोअर केस अक्षरों को ना अपर केस में बदलने की अनुमति देता है। लोअर कब इस्तेमाल करते हैं, लोअर केस बच्चों, इस फंक्शन में क्या होता है, पार्ट से ना बड़े अक्षरों को ना बाहर करने में मदद करते हैं। ये आज की क्लास के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है बच्चों, क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।